अब तक जो युद्ध मुख्य रूप से इसराइल और गाजा के बॉर्डर तक सीमित था, अब वो युद्ध पूरे अरब में तेजी से फैल रहा है। पहले बम, रॉकेट और मिसाइलों के धमाके इसराइल और गाजा बॉर्डर के आसपास सुनाई देते थे, लेकिन अब पूरा अरब युद्ध के इस धुएं को महसूस कर रहा है। इसराइल को अब तक हथियारों से समर्थन दे रहे अमेरिका ने कल सीरिया में इतने बम मारे कि युद्ध के बड़े बड़े एक्सपर्ट कंफ्यूज हो गए कि युद्ध हो कहां रहा है, गाजा में या सीरिया में। आपको बता दें कि कुछ दिनों से सीरिया ईरान समर्थित लड़ाकों का लॉन्च पैड बना हुआ था, वो छिप छिप कर अमेरिका पर रॉकेट से हमले कर रहे थे। कल एक ही दिन में अमेरिका ने इन लड़ाकों पर इतने हमले किए कि सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। अगर इस हमले की टाइमलाइन देखें तो अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में कल एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और कोर जो होती है और ईरान समर्थित लड़ाकों को टारगेट किया। हाल ही में पूर्वी सीरिया के कुछ ठिकानों से सीरिया और इराक में यूएस बेस पर हमले हुए थे। सीरिया से इसराइल को निशाना बनाकर भी मिसाइल दागे गए। इस सब का बदला लेते हुए कल अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में बम वर्षा कर दी। सीरिया पर अमेरिकी बम वर्षा पर हमने एक छोटी लेकिन विस्फोटक रील तैयार की है, एक बार आप उसे देखिए, फिर इस युद्ध में नए टेंशन का जो एक्सटेंशन हुआ है वो आपको बताएंगे। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त उस जगह पर मौजूद भी। U.S. and coalition forces have been attacked at least 10 separate times in Iraq and 3 separate times in Syria via a mix of one-way attack drones and rockets. We know that the groups conducting these attacks are supported by the IRGC and the Iranian regime. America ne इन इलाकों में स्थित ईरान समर्थित संगठनों पर अपनी कार्रवाई की है और जिसका जवाब ईरान अलग अलग मोर्चे पर दे रहा है। असल बात यह भी है कि इजराइल की तरफ से भी इन इलाकों में सीरिया के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जाते रहे बीते 48 घंटे में। काफी सिचुएशन तनावपूर्ण बन गया है। के बाद एक लगातार यहां पर टैंकों के आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे टीवी 9 की टीम इस वक्त सीरिया बॉर्डर पर आगे बढ़ रही है, हमें एक के बाद एक जो मरकवा 4 मरकवा 5 टैंक है उसके बढ़ने का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और इस वक्त कुछ ही मिनट के अंदर टीवी 9 की टीम को दर्जनों ऐसे टैंक को ले जाते हुए दिखाई दिया है। सात अक्टूबर के बाद जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है उसका असर है कि मॉस्को में हमास और ईरान और रूस के बीच की मीटिंग, और इस मीटिंग का परिणाम दिखेगा इन इलाकों में जहां पर हम मौजूद हैं, क्योंकि सीरिया के इन इलाकों में अमेरिका भी है, ईरान भी है, इसराइल भी है, रूस भी है। तो सोचिए कि सीरिया तो है ही, सीरिया के अलावा चार पावर इसी जमीन पर लड़ रहे हैं। That the groups conducting these attacks are supported by the IRGC and the Iranian regime. What we are seeing is the prospect.